श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियःपतिम्। मयि स्थितो मदंगेषु स्वतंत्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्च स्वतंत्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः। स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यञ्च हरिं स्मरे। धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। सभी विश्व में रहने वाले राम भक्तों को बहुत हर्ष का दिन है और मंगल दिन है। इस पवित्र अवसर पर राम जन्मभूमि मोक्षदायक क्षेत्र परम पवित्र अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। हम सभी विश्व में रहने वाले राम भक्तों का यह कर्तव्य है कि इस पवित्र अवसर पर भक्तिभाव से, श्रद्धा से श्री राम भजन करें, श्री राम नाम का जप करें और सभी पुण्य को इस पवित्र कार्य के लिए समर्पण करें। इसलिए सब लोग श्री राम भक्त मन में एकाग्र भक्ति से श्री राम का ध्यान करो। जो श्री राम पुरुषोत्तम है, इसका मतलब है सर्वोत्तम है, सर्व चेतन और अचेतन श्री राम भगवान का अधीन है। भगवान श्री रामचंद्र सभी गुणों से पूर्ण है, एक भी दोष नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी में। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत औदार्य, अनंत वीर्य, निस्सीम स्वातंत्र्य,
इत्यादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है भगवान श्री रामचंद्र जी। श्री राम भगवान का आदर्श सारे दुनिया में सभी सज्जनों को माननीय है, आदरणीय है और अनुकरणीय है। आज के लोग माँ बापों के बारे में आदर गौरव नहीं रखते हैं, इसीलिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। श्री राम भगवान का जो आदर्श है, पितृवाक्य परिपालन का आदर्श, मातृवाक्य परिपालन का आदर्श है। अगर सभी भक्त इस आदर्श को परिपालन करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, जीवन में अनुष्ठान में लाते हैं, तो यह निश्चित है कि सभी कष्टों से बाहर आ जाते हैं और शुभ मंगल और दिव्य ऐसे जीवन का मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री राम भगवान जी का प्रतिष्ठापन राम मंदिर में हो जाए, उसके साथ साथ सभी भक्तों के मन मंदिर में हो जाए, तो सभी श्री राम भक्तों का उद्धार हो जाता है। इसलिए सब लोग राम नाम का जप करते हुए मन में प्रार्थना करो, हमें और हमारे आगे जो युवक हैं, युवतियां हैं, सभी युवकों को, युवतियों को भी श्री राम का आदर्श मन में दृढ़ हो जाए, इस प्रार्थना से और हमारे देश में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्रिमंडल है, शासक वर्ग है, न्यायांग है और आरक्षक वर्ग है, हमारे योद्ध हैं और हमारे विज्ञानी हैं, मुख्य रूप से हमारे जो तत्वज्ञानी हैं, धार्मिक वर्ग हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, आम आदमी हैं, सभी लोगों को श्री राम भगवान का यह संदेश मन में दृढ़ हो जाए। श्री राम के मार्ग में सभी लोग चले, सभी प्रशासक, सभी अधिकारी अगर अत्यंत प्रामाणिक रूप से, निष्प्रह भाव से, देश की भक्ति से सभी लोगों को न्याय दे, इस भावना से अगर प्रशासन करेंगे, आरक्षण करेंगे, न्याय देंगे, तो देश का उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आप सब श्री राम भक्त इसी प्रार्थना से श्री राम नाम का जप करें। और इसके साथ साथ हमारे श्रद्धा केंद्र श्री राम मंदिर अयोध्या जी में निर्माण हो रहा है, इस मंदिर का निरंतर पूजन
भजन और इस मंदिर की अभिवृद्धि आ चंद्रार्क हो जाए, किसी तरह का विघ्न इसमें नहीं आ जाए, इसलिए भगवान को हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रेम से, स्नेह से, सौहार्द से हम सब मिलकर श्री राम भगवान का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे और हमारी परंपरा में श्री राम का संदेश को प्रसार करेंगे। इसलिए सब लोग श्री राम भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए श्री राम नाम जप करिए, मन में चिंतन करिए, हमें दैव भक्ति, पितृ भक्ति, देश की भक्ति, परोपकार की भावना, निष्प्रह भावना, शुद्ध चारित्र्य, निष्कलंक प्रशासन, इन सभी सद्गुणों की प्राप्ति के लिए हम सब मिलकर राम नाम जप करेंगे। आइए जप करिए, श्रद्धा से जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, 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 जो राम भगवान सभी लोगों को सभी वक्त आनंद देते हैं उनको, इसलिए यह नाम श्री राम यह सार्थक नाम है। रमयति इति रामः, सभी लोगों को आनंद देते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार सत्कर्म करा के आनंद देने वाले और स्वयं आनंद परिपूर्ण है, किसी को भी न्याय करने वालों को, धर्म करने वालों को श्रद्धा और भक्ति से भजन करने वालों को कभी भी दुख नहीं देते हैं, सुख देने वाले हैं भगवान श्री रामचंद्र। भक्ति से बोलो, जोश से बोलो, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे,
जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे। चार वेदों का, संपूर्ण महाभारत का, संपूर्ण श्रीमद् रामायण का, भगवद गीता जी का और सभी सच्चास्त्रों का पारायण करने में हमें शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन सभी सच्चास्त्रों के पारायण करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य सिर्फ राम नाम के जप से मिलता है, इस भक्ति से, इस श्रद्धा से। सभी सच्चास्त्रों का पारायण हो रहा है, अनंत पुण्य मिल रहा है और अनंत पुण्यों को श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं इस भावना से और भक्ति भाव से। अयोध्या जी के तक पहुंचना है, जोश से बोलो जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, 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 सभी अब मन में जप करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए बैठेंगे और अयोध्या जी में भूमि पूजन हो रहा है। भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी भूमि पूजन करते हैं, मंदिर का निर्माण भी हनुमान जी करते हैं और श्री राम भगवान जी का प्रतिष्ठापन स्वयं श्री हनुमान जी ही करते हैं। इस भावना से हमारे भारत के अत्यंत गौरवास्पद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करते हैं और मोदी जी में स्वयं श्री हनुमान जी अंतर्यामी होकर इस भूमि पूजन करते हैं। इस अनुसंधान से देखिए भूमि पूजन का समारोह और मन में ध्यान करें और जप करें। जय श्री राम, जय।